मौलाना नसरुद्दीन एक सेठ के पास गए और इससे एक बर्तन मांगा। सेठ ने बर्तन तो दे दिया लेकिन कहा कि उन्हें उसका किराया देना होगा। मौलाना नसरुद्दीन ने यह बात कबूल कर ली। कुछ दिन बाद मौलाना नसरुद्दीन खुशी खुशी सेठ के पास आए और कहने लगे, मुबारक हो सेठ साहब, आपके बर्तन ने बच्चन ने बच्चा दिया है। सेठ ने हैरत से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, भला किसी बर्तन का भी बच्चा हो सकता है? मौलाना नसरुद्दीन ने जवाब दिया, क्यों नहीं। फिर अपनी जेब से एक छोटा सा बर्तन निकालकर सेठ को दिखाते हुए बोले, ये देखिए, अब भी यकीन नहीं आ रहा, ये आपके बर्तन का बच्चा है, देखिए कैसा खूबसूरत है। सेठ ने सोचा कि मुफ्त में खूबसूरत बर्तन मिल रहा है, उसे क्यों छोड़ा जाए। वो मुस्कुराते हुए बोला, वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल का है। सेठ ने वो छोटा बर्तन रख लिया। जब मौलाना नसरुद्दीन जाने लगे तो सेठ ने कहा, मौलाना साहब, मेरे बड़े बर्तन का ख्याल रखना, हो सकता है कि वो और भी बच्चे दे। मौलाना नसरुद्दीन ने कहा, आप बेफिक्र। कुछ दिन बाद मौलाना नसरुद्दीन सेठ के पास वापस आए और अफसरदा होकर कहने लगे, एक बड़ी खबर है सेठ साहब। सेठ घबरा कर बोला, क्या हुआ? मौलाना नसरुद्दीन ने रोते हुए कहा, आपके बड़े बर्तन का इंतकाल हो गया। सेठ हैरत से बोला, मेरा बर्तन मर गया? ये कैसे हो सकता है? भला बर्तन कहीं मरते हैं? मौलाना नसरुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, सेठ साहब, अगर आपका बर्तन बच्चा दे सकता है तो वो मर भी सकता है।